वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। ये केस है, एक मेल पेशेंट है जो जिसकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम था, वो ठीक हुई तो उसको अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को लेके आती है। उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस सीवियर पेन था। ये 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है, ठीक है। तो इस ने बताया कि और इसको कुछ इचिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इचिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है ये बंदा। तो मैंने कहा ठीक है, उनको लेके आना। तो वो जब पेशेंट आता है अपनी वाइफ के साथ, तो वो सबसे पहले आता है, नमस्ते करके, हाथ जोड़ करके वो नमस्कार करके बैठता है, ठीक है। तो मैंने पूछा कि बोलो क्या दिक्कत हो रही है। बोला कि सर ये गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, मुझे इंटेंस ईचिंग होती है, इसकी वजह से नींद नहीं आता है, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। इवन इतना गर्दन में दर्द होता है कि हाथ उठाने में भी बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो फिर मैंने पूछा कि मैनेज कैसे आप करते हैं। तो बोला कि मैनेज हो जाता है बस ऐसे ही। तो मैंने पूछा कि आपको कितने टाइम से चल रहा है। तो बोला कि बहुत टाइम से चल रहा है, ये तो करीब 6-8 महीने से रेगुलर चल रहा है। तो मैंने पूछा कि अभी आपके मन में क्या आ रहा है। बस डॉक्टर साहब इससे आप निजात दिलाइए, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है इससे, लगता है बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आप तो कुछ ऐसा करिए जिससे ये जल्दी ठीक हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पूछा कि घर में कौन कौन है। तो वाइफ ने मेंशन किया, डॉक्टर साहब दो बेटियां हैं हमारी, दोनों की शादी हो गई है। और मैंने कहा आप क्या करते हैं। तो बोला मेरा खेतीबाड़ी का काम है। तो वाइफ ने ऐड किया कि डॉक्टर साहब जब से इनको ये तकलीफ़ हुआ है ना, कुछ नहीं करते हैं, जब से वो घर पर पड़े हुए हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, बस उनने जो खेतीबाड़ी का काम है अपने नौकर के भरोसे छोड़ के रखा है, जो होगा वो लोग देख लेंगे। तो इनसे बोलो कि आप डॉक्टर को दिखा करके इसको ठीक करके आप इलाज लेकर के अपने काम धंधे में ध्यान दीजिए, बट इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो मैंने पूछा कि ऐसा है क्या। तो वो हंसे, धीरे से स्माइल दिया और बोले कि, मैंने पूछा कि आपको कोई चिंता, तब वो जाके स्माइल दिया। उन्होंने बोला नहीं नहीं डॉक्टर साहब कोई ऐसा चिंता नहीं है। और उनको हंसी आई, थोड़ी सी हंसी आई, बोले मेरे को कोई खास टेंशन नहीं है, सब चल रहा है ऊपर वाले के हिसाब से, सब बढ़िया चल रहा है और मैं इतना टेंशन नहीं लेता इन सब चीज़ों का, और चल ही तो रहा है और फिर जो भी होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। तो ये उसने सीधा सीधा बोल दिया कि जो भी होगा देखा जाएगा, इतना टेंशन नहीं है मुझे। अब मैं, वाइफ बार बार बोलती है तो मैं बोलता हूँ कि यदि मैं ठीक तो हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँगा तो मैं काम करूँगा, बट अभी तो वाइफ ने फिर से ऐड किया कि डॉक्टर साहब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है घर का क्या बाहर का हो रहा है, चुपचाप ये पड़े रहते हैं और कोई काम धंधे से मतलब नहीं रहा है। तो मैंने वाइफ से पूछा कि इनको कभी चिंता नहीं होती। तो बोला, वाइफ ने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब इनको कभी कोई चिंता नहीं होती, ये तो हमेशा बोलते हैं कि नहीं तुम काहे को टेंशन लेती हो, ठीक हो जाएगा सब, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, इवन खेतीबाड़ी में भी इनका क्या चल रहा है इनको नहीं पता, ठीक है। और वो बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा। तो ये केस था। तो ये बहुत सिंपल केस है, आपको ये समझना है कि ये पेशेंट किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा कि इसको टेंशन नहीं है यार, घर का बाहर का, इवन काम भी, काम धंधा छोड़ कर के घर पे बैठा है ये बंदा, ठीक है, और बोलता कि कोई बात नहीं जो होगा देखा जाएगा, समझिए आप। तो इससे समझ में आता है कि ये बंदा एक तो इम्प्रोविडेंट है, इम्प्रोविडेंट। तो इस रूपरेख को समझते हैं, इम्प्रोविडेंट का मतलब ये है कि उसको आगे क्या होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब जैसे हम थोड़ा दूर का सोच के सकते हैं ना, तो अलर्ट, कॉशियस, केयरफुल जो लोग होते हैं, तो ये बंदा ऐसा नहीं है, ये बंदा इम्प्रोविडेंट है।
आगे फ्यूचर के बारे में इसको कोई टेंशन नहीं है कि यदि मैं कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये बंदा घर पे पड़ा हुआ है तो ये मतलब इनडिफरेंस टू हिज ड्यूटीज, उसको अपनी ड्यूटी का कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब उसकी ड्यूटी है उसको खेत पे जाना, अपने काम धंधे पे ध्यान देना, तो इस बंदे को अभी ये सब भूला हुआ है, कहाँ उसके खेत है, कहाँ उसका काम धंधा है, ये सब छोड़ छाड़ करके घर पे पड़ा हुआ है। तो ये दूसरा रूपरेखा पन्ने लिया, पहला इम्प्रोविडेंट, दूसरा इनडिफरेंस टू हिज ड्यूटीज। और जो पहला रूपरेख था, सबसे पहला रूपरेख, जैसे ही वो आया उसने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, तो ये है रिवरेंस दोज अराउंड हिम, ठीक है। सिंपल रूपरेख लीजिए, रिवरेंस दोज अराउंड हिम। और तो जैसे जनरली सभी पेशेंट नमस्कार करके आते हैं, ठीक है, नमस्ते सर ऐसे करके आते, तो ये एक कॉमन सिनेरियो है सोसाइटी में, एक है ना। तो ये इतने इम्पोर्टेंट हैं, जो लोग डायरेक्ट चल के आ जाते हैं और बैठ जाते हैं और अपनी बात शुरू कर देते हैं, तो इस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो नमस्ते को मत लीजिए, कि नमस्ते को सीधा आपने रेफरेंस दो अराउंड हिम ले लिया, ठीक है ना। हाँ, बार बार आपको इस तरीके का यदि देखने को मिल रहा है, आके ही नमस्कार, जाते हुए नमस्कार, तो फिर रेवरेंस दोज अराउंड हिम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, उसकी वाइफ ने बताया, डॉक्टर साहब इसको हस्बैंड को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और जब टेंशन होती है ना, जब घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, बाहर कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये बोलता है, ये एश्योर करता है कि नहीं नहीं कोई ऐसा टेंशन नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, सब सेटल हो जाएगा। तो ये क्या है, ये कंटेंट है बंदा, ठीक है, कंटेंट। बहुत बढ़िया रूपरेखा इस रेमेडी का, कंटेंट। तो ये संतुष्ट रहते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, ठीक है। और क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, तो जो भी होगा देखा जाएगा। उसने यहाँ पे भी बोल दिया, अरे डॉक्टर साहब क्या टेंशन लेने का, तो उसने साफ साफ बोल दिया, घुमाया फिराया नहीं। तो ट्रुथ टेलिंग प्लेन द ट्रुथ, सीधी सीधी बातें करने वाला बंदा और सीधा बोल देने वाला बंदा, है ना। तो अभी देखिए, ट्रुथ टेलिंग प्लेन ट्रुथ का बहुत बार हम लोग यूज करते हैं इस रूपरेख को। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया, बहुत अच्छी रेमेडी है उसकी। उसने क्या किया, मैंने बोला कि आपने क्या, ये तकलीफ कैसे हो गया, उसके पेनिस में कुछ प्रॉब्लम था, आप समझिए पेनिस में कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। तो उसने विदाउट हेजिटेशन उसने जो किया, और उसने डायरेक्ट वैसे ही बोल दिया जैसे उसने किया, ठीक है ना। तो ये है ट्रुथ टेलिंग प्लेन द ट्रुथ, साफ साफ सीधा सीधा बोल देना, है ना। तो ऐसे ही हम इस ट्रुथ टेलिंग प्लेन द ट्रुथ को लेते हैं। और एक है, जो भी होगा देखा जाएगा, डॉक्टर साहब इतना क्या टेंशन लेने का, है ना। तो ये ट्रैंक्वालिटी रिकनसाइल टू फेट, जो भी होगा देखा जाएगा, जो हो रहा है वो भी ठीक हो रहा है, तो मतलब उसने फेट से समझौता कर लिया है, ठीक है। तो अब इतना क्या सोचने का, डॉक्टर साहब जो भी हो देखा जाए। तो ये जो लोग कंटेंट होते हैं ना, वो बंदे ऐसे सोचते हैं। और बढ़िया रूपरेख था हमारे पास, कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट, मतलब डॉक्टर साहब इस समस्या से मुझे बाहर निकालो, क्योंकि मुझे मैं बहुत तंग हो गया हूँ, जल्दी से ठीक करो आप मुझे। और पेशेंट ने बोला ना कि इस खुजली से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है इसीलिए वो जल्दी से ठीक होना चाहता। तो सबसे पहले तो हमको ये डिल्यूजन परसिक्यूटेड लेना है, ठीक है, कि उसको खुजली ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, तो डिल्यूजन परसिक्यूटेड। तो ये सारे रूब्रिक्स जब आप मिलाएंगे तो हमारे पास रेमेडी आती है पोडोफाइलम, ठीक है। तो पहला रूब्रिक हमने लिया, पहला क्या लिया, रिवरेंस दोज अराउंड हिम, दूसरा ट्रुथ टेलिंग प्लेन दी ट्रुथ, तीसरा कंटेंट, चौथा कैरीड डिजायर टू बी कैरीड फास्ट। पांचवा इनडिफरेंस ड्यूटीज टू हिज, छठवा इम्प्रोविडेंट, सातवा ट्रंक्वालिटी रिकनसाइल टू फेट, है ना। तो और आठवा डिल्यूजन परसिक्यूटेड।
तो ये साइरोबिक्स जब आप मिलाएंगे तो हमारे पास एक रेमेडी आती है पोडोफाइलम। ऑफकोर्स पोडोफाइलम 30 के 3 डोज देने के बाद ही उसका उसका जो इचिंग विचिंग था बेटर हो गया, पेन भी बेटर हो गया, ठीक है। बाद में उसको 200 के 1-2 डोज देने पड़े हैं, तब जाके उसका प्रॉब्लम कम्प्लीटली रिकवर हुआ है। तो ये पोडोफाइलम एक कंटेंट की रेमेडी है। जैसे हम बच्चों में कई बार आप देखेंगे बच्चे एक दिन प्लेफुल, ठीक है, बहुत बहुत खेलने वाले बच्चे, तो हम जनरली लैकेसिस को सोचते हैं, प्लेफुल चाइल्ड, ठीक है। तो ये प्लेफुल बच्चे पोडोफाइलम कंटेंट, ठीक है, कंटेंट रहते हैं, वो भी ज़्यादा डिमांड नहीं करते किसी से कुछ, अपने दुनिया में खेल में मगन रहते हैं। एक्चुअली हर रेमेडी का अपना एक शेड होता है, वो रेमेडी किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकती है। तो कई बार वो कंटेंट में होता है पोडोफाइलम, तो कई बार अपनी डिल्यूजन्स और इन सब को लेके भी परेशान रहता है। तो इसमें बहुत सारे डिल्यूजन्स के रूब्रिक भी हैं, जैसे कि जैसे रूब्रिक है हमारे पास डिल्यूजन डाई अबाउट टू डाई, वो मरने वाला है, ठीक है, इसीलिए वो कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट में भी चला जाता है, क्योंकि अरे डॉक्टर साहब कुछ करो, जल्दी करो, जल्दी करो करो, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा, तो डिल्यूजन डाई अबाउट टू डाई, ठीक है, इसलिए वो कैरी डिजायर फास्ट में जाता है। फिर और भी ऐसे रूब्रिक हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको रूब्रिक। उसको ऐसा लगता है डिल्यूजन डिजीज इनक्योरेबल हैज। अब ये इसलिए वो रिकनसाइल टू फेट में चला जाता है कि डॉक्टर साहब अब ये बीमारी तो ठीक होना नहीं है, इसका कोई इलाज होता नहीं है, इसलिए जो भी है देखा जाएगा, है ना। तो इस तरीके से वो रिकनसाइल टू फेट में चला जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि डिल्यूजन डिसीज इनक्योरेबल ही हैज। और फिर कई बार उसको एंजाइटी भी होती है, तो वो कहता है डॉक्टर साहब आप तो कुछ करिए, मुझे जो कुछ आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा, पर आप कुछ करिए, आप ही बताइए जो कुछ करना है आपको, ठीक है, आपको ही करना है, पर करिए मेरे को। तो वे कैरी डिजायर टू बी कैरी शोल्डर ओवर, फिर वो डॉक्टर के कंधे पर चढ़ के अपना काम बनाना चाहता है। इसमें ऐसे रूब्रिक्स में फियर ऑफ डिसीज इनक्योरेबल बीइंग ऑफ, ठीक है, तो ये उसको ऐसा लगता है कि कहीं बीमारी कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए जो ठीक ना हो कभी, है? तो कई बार पेशेंट ऐसे आते हैं ना कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, तो आप पूछेंगे कैसी, मतलब अरे डॉक्टर साहब वो ऐसा बीमारी हो जाती ना जो ठीक ही नहीं होती, जैसे कैंसर कहाँ ठीक होता है, तो फिर वो नहीं, वो उसको ऐसा लगता है, उसको ये डर रहता है कहीं कोई ऐसी बड़ी बीमारी ना हो जाए, तो फियर ऑफ डिसीज इनक्योरेबल बीइंग ऑफ। मैं भी पोडोफाइलम पढ़ा हुआ है। और सबसे बढ़िया इसका रूब्रिक है लोक्वासिटी, बातें बहुत करता है, ठीक है, स्पेशली चिल ड्यूरिंग, ठीक है, तो चिल स्टेट जिसमें आपका एटमॉस्फेयर वार्म होता है, ठीक है, गर्म होता है, हीट नॉट वार्म, जहाँ पे आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, और एक चिल स्टेट जहाँ पे आप ठंडे पड़े रहते हैं, ठीक है, जैसे कोई आपने ऐसा कोई सेंटेंस सुन लिया तो वो आप एकदम से शॉक्ड हो गए, तो दिस इज चिल स्टेट। तो आप कोई ऐसी सिचुएशन है फिर उस टाइम पे आप बातें ज़्यादा करने लगते हैं, ठीक है, तो चिल स्टेट के टाइम पे आप लैक्वासियस हो जाते हैं। तो ये जो पोडोफाइलम का पेशेंट है लैक्वासिटी चिल ड्यूरिंग, तो इसमें भी पड़ा हुआ है लैक्वासिटी हीट विथ, उसमें भी मतलब ये फीवर के जितने भी फीवर के अराउंड, मतलब चिल में भी उसको बातें करनी है बहुत ज़्यादा और हीट के टाइम पे भी, तो ये दिस इज मॉर्बिड रूब्रिक। ऐसे देखो आप जैसे पर्सन नॉर्मल है, अभी अभी घर का सिचुएशन माहौल बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, मैं हीट की बात कर रहा हूँ, माहौल अच्छा नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े हुए और उसके बाद ये उस टाइम पे इतना ज़्यादा बड़बड़ा रहा है, लैक्वासिटी बहुत सारी बातें कर रहा है, तो इस रूब्रिक को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये कई बार ऑब्जर्वेशन रूब्रिक है, बच्चों में भी कई बार देखने को ये रूब्रिक मिल जाता है। तो पोडोफाइलम एक बड़ी रेमेडी है, तो अभी मैंने जो इतना छोटा मोटा मुझे याद था आपको इसके इसके साथ में समझाने के लिए, तो ये मैंने पोडोफाइलम के बारे में बताया। और दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न होम्योपैथी एंड
try to understand the rubric, they can call me in my number 9752820258. तो मैं आपको एक ग्रुप पे ऐड करूँगा और सीखिए होम्योपैथी और दूसरों का और अपना भला करिए. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.